डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंडी समिति स्थित गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। क्रय केंद्र में किसानों को नहीं होनी चाहिए दिक्कत, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अतिकैमत पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सवाल पर इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में अपराधी और अपराध जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक कार्यवाही जारी रहेगी। अदालत के माध्यम से पैरवी करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ओम प्रकाश राजभर के वायरल वीडियो में दिए गए बयान पर कहा कि अभी ऐसा कोई वीडियो संज्ञान में नहीं। फतेहपुर से अतीक अहमद की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के सभी प्रदेश की जो विकास योजनाएं हैं स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और फिर इसका बिलवार विभाग पर समीक्षा भी करेंगे। फतेहपुर जनपद विकास के एजेंडे में प्रथम नंबर पर रहे, इसलिए हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ स्थलीय निरीक्षण भी कर रही है और सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। सर, अति पर लगातार सिकंजा कसता जा रहा है। देखिए, प्रदेश में अपराध और अपराधी जब तक समाप्त नहीं होते लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। एक एक अपराधी को हम कड़ा सबक सिखाएंगे और अदालत के माध्यम से पैरवी करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सर, ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद ये समय हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं, एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी हमने देखा।